हेलो भाई, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस की, CUT UG की। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर तो अपने स्टेट में फिल किया था, लेकिन उनका जो सेंटर है वो आउट ऑफ स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। क्या करना है आपको, कैसे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो सकता है, और जिन भी स्टूडेंट्स का भी जो सिटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, और कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पूरे नहीं शो कर रहे, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो गाइज, मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो जो स्टूडेंट यहाँ पे जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना था 21 मई से 22 मई, 23 मई, 24 मई एंड 2023 में, उनका यहाँ पे जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे आउट कर दिया गया है। उनका जो एडमिट कार्ड है वो 18 को यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आउट कर दिया जाएगा। आपका यहाँ पे जो सिटी तो यहाँ पे आपको बता दी गई है, लेकिन आपको जो मेन सेंटर कहाँ पे है वो चीज़ आपको जो है वो 18 को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे 21 को एग्ज़ाम है, जिनका 22 को है उनको जो है वो 19 को, और जिन स्टूडेंट का 23 को उनका यहाँ पे 20 को। इसी तरह से आपको जो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आपको यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड की जो अपडेट थी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एग्ज़ाम है 25, 26, 27 और 28 मई को, उन स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आउट ऑफ स्टेट यहाँ पे कर दिया गया है। उन स्टूडेंट्स की पहले बात करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को उनको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिट कार्ड अभी तक नहीं शो हो रहा, ना सिटी उनको यहाँ पे शो हो रही है, तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो 28 मई के बाद है, तो तभी उनका जो यहाँ पे जो सेंटर है वो अभी जो है वो शो नहीं कर रहा। आपका जो सेंटर है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 20 मई के बाद यहाँ पे जो दोबारा से नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा, तब आप अपना सेंटर जो है चूज़ कर पाओगे, सॉरी देख पाओगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपको सेंटर कैसे चेंज हो सकता है, जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे 25, 26 और 27 और 28 मई को यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपको जो नोटिफिकेशन यहाँ पे देखा होगा आपने NTA की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया है और यहाँ पे मेल भी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो, इन केस एनी कैंडिडेट फेस डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग चेकिंग द एग्जामिनेशन सिटी इंटरमिनेशन स्लिप्स दे मे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे नंबर दिया गया है, 2 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे मेल भी दी गई है। तो आपको सैंपल करना क्या है, या तो इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करना है पहले, या फिर आपको जो है वो मेल करनी है। वहाँ पे मेल में आपको लिखना है कि हमारा जो हम इस सिटी से बिलोंग करते हैं, हमने जो अपने फॉर्म में जो ये वाली सिटी चूज़ की थी, लेकिन जो हमारा सिटी स्लिप है यहाँ पे, उस पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जो है वो हमारे घर से बहुत दूर है, और आपने जो वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स जितनी आपको वहाँ पे बतानी है बताना है कि फाइनेंशियल हम वीक हैं बहुत ज़्यादा, हम जो है वो इतना जो अफर्ट नहीं कर पाते, हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स लिखनी है वहाँ पे, और साथ में आपको जो अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटो भी अटैच करनी है, देन आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो फोटो भी अटैच करनी है, देन वहाँ पे आप अपना एड्रेस भी अटैच करो कि हम इस सिटी से बिलोंग करते हैं, हम इतने किलोमीटर जो वो इतना जो वो सफ़र करके नहीं जा सकते, जो ट्रैवल करके नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सफ़र करना पड़ता है, वहाँ पे आप पूरी प्रॉब्लम्स जो लिखे, मे बी आपका यहाँ पे जो UGC आपके जो UGC तक बात यहाँ पे पहुँच जाए और NTA को वो इन्फॉर्म करे, ताकि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो चेंज कर दिया जाए। तो गाइस, आपको वीडियो से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारी बात भी जो है UGC तक पहुँच जाए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पे जो है वो चेंज जो है करने का आपको लिंक मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके अगर आपका एग्ज़ाम जो 27 को यहाँ पे जो उन्होंने डेट निकाली है, तो 27 का आपका एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, तो उनको जो है वो यहाँ पे जो उन्होंने 7 और 8 जून को जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, लेकिन आपकी सिटी में ही आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। तो हमने जो NTA से बात की है, वहाँ पे NTA का साफ यही कहना है कि जो यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो यहाँ पे एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका एग्ज़ाम जो है वो एक ही डेट पे यहाँ पे जो है वो क्लैश कर रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने जो नियर बाई सिटी है वहाँ पे उनका एग्ज़ाम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो हमारी NTA से ये भी बात हुई है कि उन्होंने बोला है कि
इस वजह से जो वहाँ पे स्लॉट कम आने की वजह से आपका जो एग्ज़ाम को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो फाइनेंशियल काफ़ी जो है वो वीक हैं, और हमने उनको ये भी पूरा मेंशन किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तीन तीन चार 400 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल न करके नहीं जा सकते वहाँ पे अपने एग्ज़ाम, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ईयर भी वेस्ट हो सकता है। तो आप जो है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर उनका चेंज कर लें। तो NTA का अभी जो है दोबारा से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जब भी कोई रिस्पॉन्स आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। आई होप कि वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। आप जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी यहाँ पे सेंटर रॉन्ग आ रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेल करें, अगर मेल नहीं कर सकते आप फ़ोन करें। आप जो है वो मेल आपको किस तरह से करनी है, आपको सैंपल मेल में जाना है, वहाँ पर कंपोज मेल मेल करनी है, देन आपको वहाँ पर अपनी मेल लिख के और साथ में आपको अटैच कर देना डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट है जिनका यहाँ पे जो अभी सीटी नहीं शो कर रही, उन स्टूडेंट का यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो 1-2 जून एंड 5 जून या 6 जून को कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे इन भी डेट्स में एग्ज़ाम नहीं होगा, उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे एग्ज़ाम 7-8 जो है वो जो है वो यहाँ पे जून रिजर्व कर दी गई है, उनका एग्ज़ाम जो है उस डेट को कंडक्ट किया जाएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूँ 6 जून से जो है वो PG का एग्ज़ाम भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाना है, लेकिन यहाँ पर जो उनका एग्ज़ाम और आपका एग्ज़ाम भी क्लैश करेगा, तो इसकी वजह से जो आपका एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 6 जून से पहले ही ख़त्म करने के यहाँ पे इनके जो ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप जो है मेल करें जो CUT को, यहाँ पे आप देख सकते हो CUTUG@NTAAC.in से आपको मेल करनी है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।